कोरोना के सिर्फ बमुश्किल 500 के करीब 550 मामले थे, तब किस तरीके से पूरे देश में तालाबंदी करके रेल और बस का आवागमन बंद करके और करोड़ों मजदूर जो बेचारे भूखे प्यासे पैदल अपने घरों की तरफ वापस चल रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर चलने वाले, उनमें सबसे बड़ी आबादी देश के भूमिहीन दलित और वंचित तबके की थी। वो सब अपने रोज कमाओ रोज खाने वाला तबका, क्या हुआ, सड़कों पर पैदल चलते चलते उनके पैरों से खून टपकने लग गया, पस टपकने लग गया और इस निकम्मी मोदी राज में उन भूखे प्यासे मजदूरों की शरीर से पुलिस ने भी जगह जगह पीट कर खाल उतारी है। ये भी आप सब लोगों ने देखा, आपने ये भी देखा है कि वो मजदूर सड़क पे चलते चलते भूख से मर गए, गाड़ियों से रौंद के मरे, गाड़ी पलटने से दबके मरे, रेल की पटरियों से मरे, न केवल उनकी महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे गर्भवती महिलाओं ने बच्चे भी जने हैं। अभी राजधानी दिल्ली में आप एक तरफ, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कोरोना की, आज 25,000 मामले रोजाना नए उजागर हो रहे हैं, 20,000 लोगों की जान जा चुकी है, दिल्ली का मामला 1,00,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और आज की तारीख में एक तरफ कहा जा रहा है कि घरों से बाहर न निकले, यहाँ खुरेजी के पास में 50-60 वाल्मीकियों के घर जो 20-30 साल पुराने थे बने हुए, गरीबों के घर झुग्गी होते हैं क्योंकि उनके पास महल बनाने के लिए पैसा नहीं होता है, उसको इस कोरोना काल में ढा दिया गया और कहा जा रहा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। मैं आपके माध्यम से हाईकोर्ट के बैठे जजों से जानना चाहता हूं, आपको अपनी जान इतनी प्यारी है कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कोर्ट में आने की, आप ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं, आपको जिंदा रखने के लिए, आपकी सफाई के लिए, आप नहीं तो महामारी हो जाए आपको। मेरी अगर हैसियत हो तो मैं तो कहूं जून जुलाई में 2 महीने की छुट्टी ले ले सार्वजनिक तौर पर, ताकि तुमको अपनी औकात का पता लग जाए। अभी कोरोना काल में यह बात भी हुई, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री की महिलाएं जो नायिकाएं थी वो पोछा लगाने को विवश हुई, लेकिन अच्छी बात है कि उनको सफाई कर्मियों की हैसियत का आभास हुआ और राजधानी दिल्ली में बैठे हाईकोर्ट के जज हो, चाहे राजधानी दिल्ली की कुर्सी पर बैठे अरविंद केजरीवाल हो, केंद्र की कुर्सी में बैठे नरेंद्र मोदी हो, और चाहे वह पूर्वी दिल्ली में नगर निगम के महापौर हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी आत्मा जवाब दे चुकी है। या तो भारत में कोरोना है नहीं, कोरोना के नाम पर गरीबों को मारा पीटा और सताया जा रहा है, और यदि कोरोना है तो मैं हाईकोर्ट से पूछना चाहता हूं कोरोना काल में गरीबों के घर क्यों ढा दिए गए। अब कहा जा रहा हाईकोर्ट के ऑर्डर थे, मैं 200 ऑर्डर बता सकता हूं। मैंने राजधानी दिल्ली में 11 कॉलोनी हाईकोर्ट के ऑर्डर से गिराई जा रही थी, बुद्ध विहार में हमने नहीं गिराने दिया कोर्ट कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। यह कैसे संभव हो सकता है कि कोर्ट का ऑर्डर है वो इंप्लीमेंट ही होता है। मैं 200 आदेश बता सकता हूं, स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तहत जो बाउंड्री लेबर थी उनके लिए फरीदाबाद में मकान बनाने की बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। मैं 1986 का जिक्र करता हूं, तब उनके एक बड़ी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया था, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। बहुत फैसले हैं, मतलब अगर हमारे देश के गरीबों के खिलाफ फैसला हो तो तत्काल किसी भी कीमत पे लागू हो जाता है, और देश के धनवानों के पक्ष में यदि फैसला हो तो उस पर आनाकानी की जाती है। ये कौन सा तरीका है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। संसद के समक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान की पट्टियां जलाई गई, वो संविधान को जलाने वाले देशद्रोही छुट्टा घूम रहे। अभी आपने देखा 7 जुलाई को बाबा साहेब के राजगृह पर मुंबई में हमला कर दिया गया। आपको संविधान से, आपको दलितों से, अंबेडकर वादियों से, हमारे देश के संविधान से, संविधान की पट्टी से, और संविधान के निर्माता बाबा साहेब के निवास पर भी हमला करने वाले बेशर्मों, कुछ तो तुमको समझ आनी चाहिए। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा मसला है, क्रोनोलॉजी का मसला है। हमारे देश की सीमा पर चीन के साथ जिस तरीके से चल रहा है, चीन ने जिस तरीके से हमारे सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला, और सरकार जो थर थर कांप रही है, मोदी सरकार, उनकी हैसियत नहीं है मुंह खोलने की, वहां से ध्यान भटकाने के लिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मेरे देश के अंदर 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सुई की नोक के बराबर भी जिनके पास जमीन नहीं है, पर उनके डीएनए में है वो भारत के लोग हैं। मोदी राज में 7 करोड़ से ज्यादा लखपति भारत छोड़ के जा चुके हैं, पर भारत के मूल वासियों ने कभी नहीं कहा हम भारत छोड़कर जाएंगे। वो 25 करोड़ आबादी में सबसे बड़ी आबादी उसी मूल वासियों की है, और अब उनके घर भी सुरक्षित नहीं है। बाबा साहेब जिन्होंने संविधान के निर्माता है, उनका घर भी सुरक्षित नहीं है। आप सबको सोचना पड़ेगा कि देश को चलाने के लिए संविधान बनाने वाले बाबा साहेब का घर भी मोदी राज में, संघ के राज में सुरक्षित नहीं है,
और देश में मानव सभ्यता को जिंदा रखने वाले मेरे वाल्मीकि समुदाय के घर भी सुरक्षित नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर निकम्मी मोदी अरविंद सरकार और दिल्ली के महापौर ने मिलकर ढा दी। ये बात भी मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा ये कैसा कोरोना काल है जहां धनवानों को बाहर निकलने के लिए बचने के लिए कहा जा रहा है तुम घर में रहो और वाल्मीकियों से उनके सर की छत भी छीनी जा रही हो। ये हमको सोचना पड़ेगा। सच में बाबा साहेब ने एक बात कही थी, संविधान बनना अलग बात है, ये धरातल पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था हमारे देश के अंदर है संघ परिवार की, मुझे लगता है कि ये बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ हैं और संघ के विधान में यही सब होगा। न देश में दलितों के घर बचेंगे, न देश में संविधान बचेगा, न संविधान के निर्माता बाबा साहेब का घर बचेगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि देश में देश के संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग एक हों और एकजुट हों और संघ के विधान को हटाने के लिए भी हम एकजुट हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।